आपके घर से स्टडी के लिए, जॉब के लिए या किसी काम के लिए कोई लड़का घर से गया है? हाँ जी सर, बेटा है मेरा। तो सर आपको इस बात का मालूम है आपके, मैं आपसे इंक्वायरी क्यों ले रहा हूँ? किसी बारे में भी फोन किया है? जो राहुल आपका बेटा है वो अभी 10 मिनट पहले अरेस्ट हो चुका है रेप केस और मर्डर केस में। आप ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो 15 साल के लिए जेल। क्या आपको भी आ रहे हैं ऐसे कॉल्स? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपको लग सकता है लाखों का चुना। वीडियो में आपने देखा कि कैसे कॉलर पुलिस अधिकारी बनकर आपको कॉल करता है और आपके परिवार के किसी सदस्य के बारे में झूठी जानकारी देकर पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे कोई इस फ्रॉड का शिकार भी बन सकता था। आज हम आपको एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहे हैं जो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सबसे पहले देखें ये पूरी वीडियो। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हेलो जी, इंस्पेक्टर विजय बात कर रहा हूँ, सदर सिटी थाना स्पेशल क्राइम ब्रांच से। इंक्वायरी के लिए आपको कॉल लगाया गया, आपने प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे साथ कोऑपरेट करना है। ओके ओके ओके, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मुझे आप ये बताएं, आपके घर से स्टडी के लिए, जॉब के लिए या किसी काम के लिए कोई लड़का घर से गया है? सर मैं साइबर क्राइम। हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी। क्या लगता है आपका जो गया है? बेटा है मेरा। बेटा है, किधर गया है सर, क्या करता है? हैदराबाद में है सर। सर क्या करता है आपका बेटा? MNC कंपनी में है सर। अच्छा बिल्कुल राइट है सर, मुझे आप अपने बेटे का नाम कंफर्म करें, क्या नाम है? राहुल। राहुल सर, जो राहुल है आपका, राहुल से लास्ट बार कब बात हुआ है? कल रात ही हुई थी। कल रात ही हुई थी, तो सर आपको इस बात का इल्म है कि मैं आपसे इंक्वायरी क्यों ले रहा हूँ, इस बात का मालूम है आपको? जी नहीं, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि आपने किस बारे में फोन किया है। तो सर मैं आपको बता दूं किस बारे में फोन किया है, अभी 10 मिनट पहले मैंने 4 लड़कों को अरेस्ट किया था रेप केस और मर्डर केस में। हैदराबाद से बात करूं और हैदराबाद के हाईवे पर अरेस्ट किया 4 लड़कों को। अभी देखिए, उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने आपका मुझे ये नंबर डायल करके दिया था कि ये मेरे पापा का नंबर है, मेरी फैमिली का नंबर है। तो सर मैं आपसे इसी वजह से इंक्वायरी ले रहा था। सर जो राहुल आपका बेटा है वो अभी 10 मिनट पहले अरेस्ट हो चुका है रेप केस और मर्डर केस में। आपके बेटे ने 3 लड़कों से लिफ्ट मांगा है, जिन लड़कों से लिफ्ट लिया था वो लड़के ओल्ड क्रिमिनल थे, उनका बैड रिकॉर्ड था, उन्होंने 12 साल की लड़की का रेप किया था, जिस लड़की का रेप हुआ था उसका मर्डर भी कर दिया। उन लोगों के साथ सर आपका बेटा पकड़ा गया राहुल। अरे भाई, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सर आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो उसे छोड़ दिया जाएगा, अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो 15 साल के लिए जेल हो जाएगा, 10 लाख होगा, 5 साल के लिए बेल नहीं होगा। अंदर 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 सुनो, हेलो सर, अंदर अंदर करो को, अंदर दिमाग खा के रखा है मेरा इसने। अब वीडियो तो आपने देख ली और साथ में देखा कि कैसे कोई आपको भावुक करके पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। कुछ लोग तो इस फ्रॉड का शिकार भी हो चुके हैं। इस प्रकार के फ्रॉड कॉल्स तेजी से बढ़ रहे हैं और कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं। कॉलर्स बेहद कुशलता से बात करते हैं और लोगों को मानसिक तनाव में डालते हैं ताकि वो जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर करें। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी बताता है और पैसों की मांग करता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। फोन पर किसी से भी बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या परिवार के सदस्य की जानकारी साझा ना करें। अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है तो सबसे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करके उसकी सत्यता की जाँच करें। ऐसे किसी भी फ्रॉड कॉल की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और शिकायत दर्ज भी करवाएं। अपने परिवार और बच्चों को ऐसे फ्रॉड कॉल्स के बारे में बताएं और उन्हें समझाएं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। फ्रॉड करने के हजारों और भी तरीके हैं, लेकिन एक नमूना आज आपको दिखाया गया। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अपने दोस्तों और परिवारों को भी इस तरह के फ्रॉड के बारे में जागरूक करें। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।